उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद तहसील सदर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है, यूरिया और खाद की कालाबाजारी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष हाजी रिजवान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में ना तो पत्रकार सुरक्षित है और ना ही जनता। देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश अनुसार भारत के इतिहास में पहली बार, मुझे तो लगता है जब तक हमने होश संभाला हमने कभी नहीं देखा, यूरिया और खाद की कालाबाजारी हो रही है, यूरिया और खाद की किल्लत हो रही है। किसान परेशान है, हताश है, पहले से कर्जे में डूबा है, उसके ऊपर से यूरिया और खाद के नाम पर किसानों का, अन्नदाता का उत्पीड़न जो इस वक्त चल रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस ने एक बिगुल बजाया है। उसके खिलाफ 21 तारीख को हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया था, धरना प्रदर्शन भी किया था, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने सारी तहसीलों पर, पूरे प्रदेश की सारी तहसीलों पर इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, क्योंकि ये सरकार फेल हो चुकी है, बल्कि भ्रष्ट सरकार फेल हो चुकी है। हर क्षेत्र में, हर जगह ये सरकार फेल हो चुकी है, वो चाहे किसानों के मसले हों, चाहे आप पत्रकारों के मसले हों, पत्रकारों की हत्याएं, और ये प्रदेश एक तरह से जंगल राज की तरह चल रहा है। उत्तर प्रदेश का शासन सिर्फ और सिर्फ लाठी और बंदूक के सहारे चल रहा है। कोरोना की आड़ लेते हुए इन लोगों ने बिल्कुल सारी हदें, बल्कि मानवता की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। मानवीय संवेदनाएं भी इनके अंदर नहीं रही हैं। किसान जो अन्नदाता कहलाता है, जो हमारा पेट भरता है, उसे भी इन्होंने नहीं बख्शा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मुखर हुई है और आज सारे तहसीलों के पर ज्ञापन के माध्यम से हमने सरकार को जगाने का काम किया है।